तो हम कर रहे हैं कॉनिक सेक्शन और आज हम करेंगे हाइपरबोला। तो अभी तक आप पैराबोला, एलिप्स पढ़ चुके हैं, सर्कल पढ़ चुके हैं और आज है हाइपरबोला और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन का। तो व्हाट इज हाइपरबोला? हाइपरबोला क्या है? डेफिनेशन क्या कहती है कि हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द डिफरेंस ऑफ हूज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज ए कॉन्स्टेंट। दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट मैं यहां पे P1 ले रहा हूं और ए इस पैराबोला पर मैं दूसरा पॉइंट P2 ले रहा हूं। दो फिक्स पॉइंट आपके पास, दिस इज F1, दिस इज F2, ये फोकस है हाइपरबोला के। तो कह रहा है कि हाइपरबोला क्या है? द सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन द डिफरेंस ऑफ हूज डिस्टेंस। कोई पॉइंट है P1, इसका डिफरेंस कहां से? दो फिक्स पॉइंट से, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे P1 एक पॉइंट है तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आर माइनस दिस P1 F2 माइनस P1 F1, जो इनमें डिफरेंस आएगा। दूसरा पॉइंट में P2 लिया, इसका डिस्टेंस F1 से माइनस F2, तो ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट है और ये इक्वल है, चाहे आप जितने मर्जी पॉइंट लो। तो इस प्रकार के जो सेट बनेंगे उसे हम बोलते हैं हाइपरबोला। अब देखने से हाइपरबोला में देखो, यहाँ पे दो पैराबोला हैं, एक पैराबोला ये है और एक ये पैराबोला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कि जो हाइपरबोला है इसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं? ये जो एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस लाइन है उस एक्सिस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं और जो इस ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास कर रहे हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? कंजुगेट एक्सिस। दिस इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ये वर्टेक्स हैं, एक ये और एक जे, ये यहां पे और यहां पे, दीज आर द वर्टेक्स या वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। ये फोकस है, इसे हम F1 से जॉइंट कर देंगे, इसे हम F2 से जॉइंट कर देते हैं और इस हाइपरबोला को हम हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला भी बोल देंगे। ये जो हाइपरबोला है ये स्टैंडर्ड है। वो क्यों है? कि इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है और जो कंजुगेट एक्सिस है ये रिप्लेस कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, और इसका जो सेंटर वो ओरिजिन पे है। इस प्रकार के हाइपरबोला को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला। अदरवाइज ये जो इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस है ये कहीं से भी गुजर सकती है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगी, बट यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस।
नेक्स्ट ये आपको डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, देखिए आपको डॉटेड लाइंस, और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये इसके सेंटर से पास कर रही हैं। दो लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन ये पैरेलल टू पैराबोला, दूसरी लाइन भी क्या है पैरेलल टू पैराबोला। दीज लाइंस आर नोन एज एसिम्प्टोट्स, और जो सिम्प्टोट्स होती हैं एक ऐसा बिलीव है कि ये कभी भी पैराबोला को टच नहीं करती, ये करती हैं तो इनफाइनाइट इन्फिनिटी पे टच करती हैं, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये आगे तो इनफाइनाइट जाके ये टच करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज आल्सो हाइपरबोला। अब इसमें क्या हो गया कि जो आपका पैराबोलास हैं वो अब वर्टिकली आ गए, दिस इज योर सेंटर, ये इनके वर्टेक्स, अब ट्रांसवर्स एक्सिस आ गई ये वाली और कंजुगेट एक्सिस आ गई ये वाली। पीछे में क्या था, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या थी, एक्स एक्सिस, दोनों फोकस उसके ऊपर लाई कर रहे थे, और जो इसके परपेंडिकुलर थी वो क्या थी, कंजुगेट एक्सिस। यहां पे देखिए जो पैराबोला है वो वाई एक्सिस पे है, फोकस जो हमारा ये दिस इज एफ वन दिस इज एफ टू, ये वाई एक्सिस पे है और इसे ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और अब ये कंजुगेट एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस आ गई और वाई एक्सिस क्या आ गई, ट्रांसवर्स एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस है फोकस आपको उसी पे मिलेगा और वर्टेक्स भी आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो यहाँ पे इक्वेशन जो है मिसिंग है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड हाइपरबोला व्हेन ट्रांसवर्स एक्सिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखें दिस इज ओरिजिन, ये आपका फोकस है बेटा एंड दिस इज फोकस एफ टू। अब ध्यान दें यहां से लेकर सेंटर तक ये बेटा सी है और यहां से भी लेकर दिस इज सी, तो डिस्टेंस बिटवीन एफ वन एंड एफ टू इज नोन एज टू सी एंड दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, टू सी क्या आ गया, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज टू सी। और ये आपके पास ये जो वर्टेक्स हैं यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है ए, दोनों तरफ ठीक है, और ये जो सिम्प्टोट्स देखो जा रही हैं तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है दिस इज बी। अब हम इनके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यहां से लेकर यहां तक सी है तो सी एफ वन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे,
और यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, तो यहाँ पे कितने क्या बन जाएंगे, माइनस ए कॉमा ज़ीरो, क्योंकि इस तरफ लेफ्ट है तो डिस्टेंस ए है, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए इसके माइनस, और यहाँ पे और ये पॉइंट जीरो कोमा बी, बिकॉज ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे यहाँ तक वी है तो एक्स ज़ीरो है, और यहाँ पे इनको हम को वर्टेक्स भी बोल देते हैं। समझ आ गया? तो आपके पास वर्टेक्स क्या बन गया, ये वर्टेक्स, अगर हम दोनों को इकट्ठे लिखेंगे तो प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो इस केस में, और जो हमारे पास फोकस है प्लस माइनस सी कॉमा ज़ीरो। तो लेंथ बिटवीन, मैं डार्क कर रहा हूँ, दिस इज़ द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कितना 2a ट्रांसवर्स एक्स, और कॉन्जुगेट लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस यहां से लेकर दिस इज 2b, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ दिस आल्सो हाइपरबोला, और आप किस पोजीशन में हैं कि जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग ये है, एक इसको करते हैं थोड़ा सा ठीक, चेंजिंग होगी थोड़ी सी ना, चलिए नहीं होगी चेंज, तो यह थोड़ा सा ना डायग्राम हिल गई है, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या है, हाँ जी ये पॉइंट, ये क्या है व्हाट इज, तो ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो कॉमा ए, और नीचे ज़ीरो कॉमा माइनस ए, यहाँ पे ज़ीरो कॉमा, और यहाँ पे ज़ीरो कॉमा माइनस ई, ये फोकस, और यहाँ पे यहाँ तक ये पॉइंट है, तो ये आपका कोवर्टेक्स है, ये कोवर्टेक्स है, ठीक है। सिर्फ हमने पोजीशन चेंज की है, ये जो है वर्टिकली, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस जो कहाँ पे आ गई, और कंजुगेट आ गई एक्स एक्सिस पे, तो इसे हाँ जी हाँ यस, ये थोड़ा लिख दिया, ये माइनस बी कॉमा ज़ीरो आना चाहिए था, और ये बी कॉमा ज़ीरो आना चाहिए। तो इक्वेशन आपकी क्या रहेगी, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स में ये चेंजेस थी, हाइपरबोला में ये चेंजेस आ रही है, यहां पे देखिए y अपॉन a, तो ये y एक्सिस है, तो यहां से लेकर ये देखो ये यहां से लेकर क्या है ये, और क्या है ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो
किसके ऊपर है? यहां देखो, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। तो जब तक आपके पास माइंड में डायग्राम है तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिलेशन बिटवीन ए बी और सी, तो यहां पे जो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस है वो ए है, सेमी कॉन्जुगेट वी है और डिस्टेंस क्या है सी, तो उनमें क्या रिलेशन है? सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और सी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए ई। बताते हैं कहां पे, देखो। हाँ जी, इंसेंट्रिसिटी क्या है? एलिप्स में क्या रेशियो थी? सी अपॉन सी क्या था? डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स, इसमें भी वही है द डिस्टेंस ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस फोकस, सॉरी डिस्टेंस ऑफ द फोकस ऑफ द हाइपरबोला फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला टू द रेशियो ऑफ द वन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है। लेंथ ऑफ लेटर एक्सटर्न सेम, टू वी स्क्वेयर अपॉन ए। अगर आपने ड्राइव करना है तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए हैं, आप बुक से देखना, वहाँ से आपको रिजल्ट, अगर हम ड्राइव करना चाहते हो तो आपको यहाँ से ड्राइव कैसे किया वो मिल जाएगा। तो आई थिंक सारा कुछ आपको समझ आ गया है कि हमने कैसे कैसे करना है। फिर एक चार्ट बनाया मैंने जिसे आपने याद रखना है, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। तो ध्यान दें, फोकाई प्लस माइनस सी कॉमा जीरो एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये किस पे होगा? वाई एक्सिस पे। वर्टिसेस प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, इसमें जीरो कॉमा प्लस माइनस ए, सेम फार्मूले जो आपने एलिप्स में किए। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वहां पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस थी, यहां पे ट्रांसवर्स लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज टू ए, दोनों में बराबर। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस टू बी टू बी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर टू बी स्केयर अपॉन ए टू बी स्केयर अपॉन ए, और सेंट्रिसिटी सी अपॉन ए सी अपॉन ए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर आपने एलिप्स अच्छी तरीके से किया होगा तो यहाँ पे आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, और मैंने दो ही क्वेश्चन लिया है क्योंकि हम ऑलरेडी एलिप्स में काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये सेम क्वेश्चन वैसे ही हैं। तो पहला क्वेश्चन लिया मैंने 11.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो आपने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी वर्टिसेस इंटेंसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये चीज़ें चाहिए आपको। तो आपको फाइंड करना है बेटा ए वी एंड सी, तीन टर्म चाहिए आपको। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 9y² माइनस 4x² इज इक्वल टू 36। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस हाइपरबोला को स्टैंडर्ड कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए 36 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा जो y² अपॉन 4 माइनस x² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब हमने देखना है कि ये कौन सा हाइपरबोला है, क्या ये हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है। तो क्या पहचान है कि y स्क्वेयर अपॉन 4 है, तो y पहले आ गया तो फिर कौन सा हुआ? वर्टिकल हुआ। हमारे पास जो बनेगा ये बनेगा, ठीक है। तो वर्टिकल है तो हमें ए बी सी चाहिए,
तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू वन। तो ए स्क्वेयर कितना गया, ए की वैल्यू, और वी स्क्वेयर, वी कितना आ गया, सी फाइंड करना चाहते हो तो ए स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर का रूट दैट इज 4 प्लस 9 दैट इज रूट 13। ए बी सी तीनों टर्म अब हमारे पास आ चुकी हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं, देखते हैं क्या क्या, पहला क्या हमें पूछा उसने, तो मैं इसे साफ कर देता हूँ। चलिए तो पहला है हमारे पास फोक के, तो क्योंकि ये वर्टिकल है तो फोकी जो है हमारे पास कहाँ पे मिलेगा, प्लस माइनस सी एंड दिस इज जीरो प्लस माइनस रूट 13। सेकेंड उसने पूछा है वर्टिसेस, वो कहेगा जीरो कॉमा प्लस माइनस ए दैट इज जीरो कॉमा प्लस माइनस टू। थर्ड उसने पूछा है इसेंट्रिसिटी दैट इज ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए एंड सी कितना हमारे पास और ए कितना है। चलिए नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज टू वी स्क्वेयर अपॉन ए दैट इज टू वी स्क्वेयर कितना है 9, ए कितना है, कितना आ गया 9। ठीक है, कोई डाउट है, क्योंकि जैसे हमने एलिप्स किया वैसे ही हमने जिन क्वेश्चन को सॉल्व किया उसमें हमें ए बी सी चाहिए था, इसमें हमने ए बी सी फाइंड किया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। इक्वेशन फाइंड करनी है हाइपरबोला की, हमें सेटिस्फाई कर रही है दो कंडीशन, एक फोकी गिवन है, दूसरा हमें लेंथ दी है लेटेस्ट रेक्टम की। ठीक है, तो एलिप्स में हमने कैसे किया था कि हम पहले चेक करते थे कि जो हमें कंडीशन गिवन है, जैसे यहाँ पे फोकी गिवन है, तो फोकी किस एक्सिस पे है। अब यहाँ पे जो फोकी है वो कहाँ पे होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस पे, कहाँ पे होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस में चाहे वाई एक्सिस में हो आपको फोकी मिलेगा ट्रांसवर्स एक्सिस पे। अब यहाँ पे जो फोकी है, सिंस फोकी लाइज ऑन, कहाँ पे लाइज कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। अब फोकी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो फोकी लाई किसके ऊपर करता है, ट्रांसवर्स एक्सिस पे। ये फोकी ये किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे है तो फोकी इसका मतलब आपका एक्स एक्सिस पे लाई हो रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे लाई हो रहा है तो ये क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो ट्रांसवर्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो सिंस फोकी लाइज ऑन एक्स एक्सिस लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर इक्वल टू वन। इस हाइपरबोला की इक्वेशन ये है। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन है तो इसमें फोकी को कैसे निकालते हैं हम, एंड वो आपको गिवन है 4,0
दिस इंप्लाइज सी, आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें चाहिए ए और बी, क्योंकि ये आंसर है हमारा, बट यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। अभी हमारे पास है सी, लेकिन आपको सेकंड कंडीशन दिया है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपको 12 दी गई है। तो लेटेस्ट रेक्टम होता क्या जी, 2v² / a इज इक्वल टू 12, और क्या मैं लिख सकता हूँ 2v² इज इक्वल टू, से ये काट दो, ओहो ये तो बड़ा कुछ कट गया, 2c, 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, 0, तो क्या आ गया v² इज इक्वल टू 6a, ये मिला आपके पास। तो अलग अलग तो मिला नहीं, अब कैसे फाइंड करेंगे, हाँ जी बताएं। देखो हमें पता है कि c² इज इक्वल टू a² + v² होता है, c की वैल्यू आपके पास है, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू a² है, v² की वैल्यू आपने फिर यहाँ फाइंड की हुई है, तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही बन जा रही, a² + 6a - 16 इज इक्वल टू 0, और इसे आप सॉल्व कर लें मल्टीप्लाई करके 16, ऐड करके 6, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 6a² + 8a - 2a - 16 इज इक्वल टू 0, और क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए a + 8 और a - 2 इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 और a की वैल्यू आपके पास कितनी रहेगी, 2, 8 क्यों नहीं आई, यस a इज इक्वल टू -8 है, पर यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सेमी ट्रांसवर्स, लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, तो a इज 2 आ गया, तो अब आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया, तो इक्वेशन लिखनी आपने, देयरफॉर हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, x² / a² कितना आगे, y² b कितना, b निकालना पड़ेगा, तो लो जी v² इज इक्वल टू 6 × 2 इज इक्वल टू, नीचे कितना आ गया इज इक्वल टू, बताएं क्या ये आंसर है, ओह सॉरी, हाँ जी चेक करें क्या ये आंसर है हमारा, यही आंसर है कि x² / 4 - y² / 12 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल हाइपरबोला। तो इसी प्रकार आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका जो मिसलिनियस है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसी के साथ आपका जो टॉपिक है 11 वो आपका फिनिश हुआ।